हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है भटूरा। तो भटूरा तो हम लोग बहुत ही खाए हैं, मैदे का भटूरा हम खाते हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है और बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो घर में हम बहुत हेल्दी वे में भटूरा बनाना बता रहे हैं, वो भी गेहूं के आटे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे हम 2 कप ये पूरा आटा लिए हैं, गेहूँ का आटा है। एक थाली में इस तरह से इसको डाल देंगे। अब देखिए, इसमें एक एक इंग्रेडिएंट्स हम डालते जा रहे हैं। इसमें बीच में इस तरह से होल बना दे रहे हैं। यहाँ पे हम 1 स्पून बेकिंग पाउडर लिए हैं। ये 1 स्पून बेकिंग पाउडर है, इसको हम डाल देते हैं। 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, 2 कप। अब हम इसमें ऑयल लगा देंगे ऊपर से। ऑयल चारों तरफ से लगा के इसको हम 2 घंटे के लिए ऐसे गर्म प्लेस पे रख दे रहे हैं। यहाँ आटा हमारा बिल्कुल फूल जाएगा, फिर हम इसको अच्छे से भटूरे बना के तैयार करेंगे। तो एक बाउल में रख दे रहे हैं इसको, इसको हम ढक के गर्म प्लेस पे रख दे रहे हैं। 2 घंटे बाद फिर हम इसका भटूरा बना के आपको दिखाते हैं। बहुत ही स्पॉन्जी सा, बहुत ही फूला फूला भटूरा हमारा बन के तैयार होता है। तो इस लॉकडाउन में आप इस ऐसी रेसिपीज इसको ट्राई करिए और खाइए मनपसंद। तो आज हम छोला भटूरा बना रहे हैं, तो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से 2 घंटे बाद इसके भटूरे बनते हैं। इसको कवर करके रख दे रहे हैं। देखिए, 2 घंटा हो गया इसको हमें रखे हुए। 2 घंटे में आप देख सकते हैं बिल्कुल ये डबल हो गया अपनी साइज में। देखिए किस तरह से इसमें एयर बबल्स भर गए हैं। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा हाथ में तेल लेके इसको हम पंच करेंगे। ये बिल्कुल स्पॉन्जी हो गया, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। देखिए इस तरह से अब इसका भटूरा हमारा गेहूं के आटे का इस तरह से आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सबसे बड़ी बात है हेल्दी बहुत है, तो इसको आप जरूर ट्राई करिए, गेहूं के आटे का टेस्टी भटूरा। तो देखिए इस तरह से मैश कर देंगे, थोड़ा सा हाथों में तेल ले लेके इसको मैश करेंगे। देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया इसको मसलते हुए, अभी बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब इसकी लोइयां चलिए बना लेते हैं भटूरे के लिए बनाने के लिए। तो इस तरह से हम इसकी लोई लेंगे। जितना बड़ा भटूरा अगर आप चाहते हैं तो बड़े बड़े बड़ी लोइयाँ ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए नींबू के बॉल के बराबर हम लोई ले रहे हैं और इसको अब इस तरह से तेल में डिप करेंगे। एक कटोरी में ऑयल ले लें, इसको डिप करते जाएं। इसको इस तरह से ऑयल लगा के इसको चकली बना के एक प्लेट में अलग रखते जाएं। इस तरह से रख के और बेलन से इसको अपने मनपसंद साइज का बेल लेते हैं। ये देखिए बेल के तैयार कर लिए इसको। तो ये देखिए इस तरह से, ना तो बहुत पतला है ना बहुत मोटा है। अब कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा टुकड़ा डाल के आप चेक कर सकते हैं। अब इस तरह से हम डालें इसको, इस तरह से प्रेस करते हुए फूलने देंगे इसको। देखिए कितना अच्छा सा फूल के एकदम तैयार हो गया। इसको हम टर्न कर देते हैं, बहुत ही स्पॉन्जी बनता है इस तरह से बनाएंगे। देखिए एकदम फूल के ऊपर आ गया, इसका कलर भी देखिए एकदम अच्छा सा आ गया। हम इसको निकाल देते हैं। देखिए बिल्कुल फूला फूला हमारा बन के तैयार हो गया भटूरा, बहुत ही स्पॉन्जी है।
देखिए एक और हमने ले लिया, इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए फूल फूल के कितना बड़ा बड़ा हो गया एकदम, इसको हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए एकदम मार्केट जैसा फूला फूला हमारा भटूरा बनके तैयार हो गया। देखिए कितना बड़ा फूला है, लग रहा है गेहूं के आटे का बना हुआ है। तो इस तरह से आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। एकदम आप इस समय लॉकडाउन के समय में इस तरह से गेहूं के आटे से भटूरा बनाइए और इसको एंजॉय करिए। देखिए गेहूं के आटे का हमारा फूला फूला 4 से 5 भटूरा हम बना दिए आपके सामने दिखाने के लिए। ये देखिए इस तरह से हम भटूरा एकदम बिल्कुल फूले फूले बना बन के तैयार हुए हैं और इतने सॉफ्ट है भटूरे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मुंह में गल जाने वाला है, देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ही स्पॉन्जी है। इस छोले के साथ इस तरह से इसको आप ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए, इससे कोई भी नया वीडियो डालते हैं तो उसका अपडेट आपको मिल जाता है। इसी के अलावा वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।